गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं भरत अवस्थी, भरत सर क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम मैट्रिक्स में उसके आगे का टॉपिक लेके आए हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ही स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में आज वीडियो में चर्चा होगी। और मैं एक बात फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी मैट्रिक्स में मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, वो प्लीज मेरे पहले से वीडियो देखे तो उन्हें मैट्रिक्स अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। और मैंने इस बात का खास ध्यान रखा है कि जो भी एकेडमिक में हो, जितना भी सिलेबस है, वो सारे के सारे नियम बता दिए जाए। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि अभी एग्जाम्पल थोड़े कम कराए गए हैं, तो हम इस वीडियो के बाद थोड़े बहुत एग्जाम्पल और करा देंगे। और मुझे नहीं लगता है कि मैट्रिक्स में कोई ऐसा कोई विशेष कठिन है। अगर जितना मैंने बताया उससे आप सारे सवाल कर सकते हो, लेकिन आप कुछ मल्टीप्लीकेशन के सवाल हैं जिनके बारे में हम और चर्चा इस वीडियो के बाद करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो नाम है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में सममित और असममित अवयव कहते हैं। तो पहले जानते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, सममित अवयव क्या है। तो बताया गया ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बात ध्यान देने वाली है कि जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये दोनों चर्चाएं स्क्वायर मैट्रिक्स पे होगी। यहां पर नेसेसरी कंडीशन है, आप कोई और मैट्रिक्स नहीं ले सकते। तो वही बोला गया, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी यदि उसका ट्रांसपोज उसके बराबर, हाँ, यदि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर हो, या उसका आईजीएफ टर्म, आईजीएफ एलिमेंट, जे आई एफ एलिमेंट के क्या हो, बराबर फॉर एवरी आई जी के, मतलब हर एलिमेंट में यह बात लगे, जैसे A12 A21 के बराबर हो, A23 A32 के बराबर हो। इस तरीके का कहने का मतलब कि रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने पर एलिमेंट में कोई परिवर्तन ना है। इसका मीनिंग समझ में आया? अगर ये बराबर आते, इन दो में से कोई भी एक शर्त लग जाए तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ये आसान होती तो कोई ये लगाता नहीं एलिमेंट की, वैसे एलिमेंट की पहले आती ये बाद में आती, लेकिन हम दोनों पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, असममित अवयव, असममित अवयव में ये होता है कि ट्रांसपोज करने पे निगेटिव मैट्रिक्स आती है। अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो निगेटिव मैट्रिक्स आएगी। और यहां पर आई जी एस टर्म जो होता है वो जी आई टर्म का क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर अगर हम A12 लिखेंगे तो वो -A21 के बराबर आएगा, A23 लिखेंगे तो -32 के बराबर आएगा। अब स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए हैं, इस क्वेश्चन को प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है। तो देखिए, सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हम सीधे क्या निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ए डैश। तो ए डैश निकाला तो हमें पता है, ए डैश निकालने के लिए रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो इस रो को पहला कॉलम बना दो, 3 -1 1, इस रो को दूसरा कॉलम बनाओ, इसे खड़ा कर दो, -1 2 5, इस रो को तीसरा कॉलम बना दो, तो 1 5 -2। तो मैंने देखा कि ये क्या आया, ए आया। तो सिंस ए डैश इज इक्वल टू ए, सो ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब एक बात और देख लीजिए, ये वाला, ये तो हमने ये वाला नियम लगा लिया, एटी इज इक्वल टू एटी, एडेस मैंने बताया था ट्रांसपोज एटी और एडेस दोनों से दिखाए जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब दूसरी बात आती है कि ये भी देख लेते हैं, तो जरा देखो, अच्छा ये A11, हाँ देखो A11 तो दोनों में सेम होगा क्योंकि उसमें कुछ बढ़ते नहीं। देखो जैसे ये एलिमेंट क्या है, A12 एलिमेंट क्या है, -1। इसी तरह अगर देखे तो A21 एलिमेंट क्या है, तो A21 भी देखो, A12 ये है, A21 ये है, दोनों ही क्या है, -1 है। पहली बात भी देखिए, अब देखिए A13 भी आपका 1 है एंड A31 भी आपका क्या है, 1 है। ठीक है, इसी तरह देखो A23 और A32, A23 भी आपका 3 5 5 है एंड A32 भी आपका क्या है, 5 है। ठीक है, बाकी A11 इसमें कुछ पलटते नहीं, जैसे A11 का उल्टा भी करोगे तो A11 ही आएगा, उसमें हमने दिखाया नहीं, वो तो डायगोनल कभी पलटता ही नहीं है, तो डायगोनल को देखने का मतलब नहीं। तो ये सारे बराबर आ गए, देखो A12 के बराबर आ गया, A13 के बराबर आ गया, और A32 जो है वो A23 के बराबर आ गया,
इसका मतलब एलिमेंट भी सारे एलिमेंट, और डायगनल के एलिमेंट पर ये नियम नहीं लगता, तो डायगनल में तो 1 1 2 2 3 3 होता है, तो उसमें कुछ पलटना ही नहीं होता है, इसलिए ये डायगनल पर डायगनल एलिमेंट देखने की जरूरत नहीं होती, बस ये एलिमेंट ये इसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए इसकी, अगर ऐसा हो गया तो ये सिमेट्रिक है। तो इस बात से भी ये पता चल गया कि हमारा कि सिंस ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे, सो ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में समझ गए। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें इसको प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फिर वही बात आती है, स्क्यू सिमेट्रिक में हमें ट्रांसपोज क्या लाना होगा, निगेटिव, तो हम इसका ट्रांसपोज लाते हैं ए डैश। तो हमें पता है क्या करना है, पहली रो को पहला कॉलम बनाओ 0 2 -3, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाओ -2 0 -5, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बनाओ 3 -5 0। अब अगर हम देखें तो ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर हम इससे माइनस कॉमन ले लें तो आपको पता है जब किसी भी मैट्रिक्स से कॉमन लिया जाता है तो हर एलिमेंट से कॉमन लेंगे, अगर हम इससे माइनस कॉमन लेंगे तो हमें हर एलिमेंट, तो जीरो से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा। और अब आप इसको कंपेयर करिए तो ये ए आ गया, ये ए आ गया, आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं, ये मिटाल देते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी जो कि सिंस ए डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ए आ गया, तो देखो ये कंडीशन हमारी लग गई, इसका मतलब हमारा ए क्या हो जाएगा, तो सो ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, अच्छा दूसरा नहीं, सॉरी सिमेट्रिक नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसका दूसरा तरीका अगर हम देख ले तो दूसरा तरीका हम यहां देख लेते हैं, तो दूसरा तरीका में कहा गया कि ए आई जे एफ एलिमेंट जो होंगे वो जे आई एफ एलिमेंट से क्या होंगे, अपोजिट साइड में होंगे। तो हम देखते हैं जैसे ए वन टू, ए वन टू यहां कितना है, ए वन टू देखो टू है, सॉरी ए ए में ही देखो, ए वन टू आपका टू है, ए वन टू टू है, और ए टू वन क्या है, एंड ए टू वन क्या है, ए टू वन आपका माइनस टू है, इसका मतलब ए वन टू इज ए निगेटिव ऑफ ए टू वन। आया, इसके बाद देखो ये वाला और ये वाला, ए वन थ्री आपका माइनस तीन है, और एंड ए थ्री वन क्या है, ए थ्री वन आपका तीन है, तो आप फिर देख सकते हो कि ए वन थ्री इज ए निगेटिव ऑफ ए थ्री वन, ए थ्री वन। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखें तो ये टू थ्री है और ये थ्री टू है। ठीक है, तो ए टू थ्री जो आपका है वो कितना है, पांच, एंड ए थ्री टू आपका कितना है, ये आपका है माइनस का पांच। तो फिर आप देखिए ए टू थ्री इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ ए थ्री टू, तो मैंने देखा डायगनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट में निगेटिव का रिलेशन आ रहा है, डायगनल के एलिमेंट पर ये देखा नहीं जाता है अदर देन डायगनल, तो डिफरेंट आइडिया होना चाहिए तभी आएगा, तो डायगनल एलिमेंट पर नहीं देखा जाता। और एक बार स्क्यू सिमेट्रिक में डायगनल एलिमेंट जीरो जीरो, नहीं तो भी स्क्यू सिमेट्रिक हो भी नहीं सकता, ये भी खास बात, स्क्यू सिमेट्रिक में डायगनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो, नहीं तो साइन कैसे पलटता है। हाँ चलिए, अब कुछ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की खास बातों पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये निकली कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगनल एलिमेंट सारे डायगनल, सारे लगा दो, सारे डायगनल एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ये पहली खास बात। दूसरी बात जानते हैं, कुछ खास बातें लिखी हैं कि देखो अगर कोई मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश मतलब मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का सम क्या होगा, हमेशा सिमेट्रिक होगा। ठीक है, और उनका डिफरेंस क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगर उनकी गुणा करोगे तो चाहे ए आगे लिखो, चाहे ए डैश आगे लिखो, चाहे ए डैश आगे लिखो, ए पीछे लिखो, ये सिमेट्रिक ही होंगे। और ये खास बातें हैं जो याद करनी चाहिए। इसका फायदा क्या है, अभी मैं बता रहा हूं, पहले आप ये सुनिए। तो मैंने क्या बताया, किसी भी मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का सम सिमेट्रिक होता है, मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिफरेंस स्क्यू सिमेट्रिक होता है, मैट्रिक्स और ट्रांसपोज की गुणा चाहे जिस तरफ से हो वो क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। अच्छा, यहाँ गुणा हमेशा एडजस्ट करेगी, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स में गुणा हमेशा हो जाती है। फिर अगली बात आती है कि अगर ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इनका जोड़ भी सिमेट्रिक होगा, घटाना भी सिमेट्रिक होगा, और दो दो की गुणा, दो दो की गुणा में अगर जोड़ लगा है तो सिमेट्रिक होगा, अगर दो दो की गुणा में माइनस लगा है तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा।
हम कहते हैं पढ़ने के लिए लैंग्वेज का प्रयोग करो। अगर आप ऐसे ए प्लस बी ए बी करके पढ़ोगे तो याद नहीं होगा, उसकी एक लैंग्वेज बनाओ, उसकी भाषा बनाओ, तब देखोगे तो याद हो जाएगा। जैसे मैंने पढ़ाया किसको कैसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि अगर दो मैट्रिक्स ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उनका जोड़ भी मैट्रिक जोड़ भी होगा, एडिशन भी सिमेट्रिक होगा, सबस्ट्रैक्शन भी सिमेट्रिक होगा, और दो दो की गुणा जैसे ए बी बी ए अगर जुड़ रहे होंगे तो सिमेट्रिक होंगे, घट रहे होंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक होंगे। अब आता है, ये तो मैंने पढ़ लिया है, खास बातें याद करने के लिए मैं समय देता हूं, और मैंने कहा कि इनका ज्यादा यूज एकेडमिक में नहीं है, लेकिन इसका यूज हम आगे आने वाले कंपटीशन में करते हैं। और रह गई बात, अगर हम यूज करने की बात करें तो देखो कितनी अच्छी बात पता चलती है इससे। जैसे मान लो अगर मैं एक क्वेश्चन दे दूं कि ए आपका 3-4, 1-1 है, और मैं आपसे पूछूं कि प्रूफ करो, प्रूफ करना है ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है, तो ये हमें पहले से पता कि ये सिमेट्रिक होता है, ये दिया है या ना दिया हो, ए प्लस ए सिमेट्रिक होगा। जैसे मैंने पूछ लिया, ये ना लिखो कि ए प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, या मान लो वो किसी कंपटीशन में क्वेश्चन आया, तो भाई वैसे तो तरीका ये है कि पहले आप इसको निकालिए, फिर इसका ट्रांसपोज कीजिए, अगर उस चीज का ट्रांसपोज ए के बराबर आएगा तो सिमेट्रिक होगा। लेकिन अब मुझे प्रॉपर्टी अगर पता होगी तो मैं डायरेक्ट ये करने के बजाय मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता हूं कि ये सिमेट्रिक ही होगा, मुझे डायरेक्ट पता है ए प्लस ए डैश, वो ए चाहे जो दिया जाए। चलिए फिर इसको प्रूफ करके देखते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आंसर अगर प्रॉपर्टी याद होती तो कंपटीशन में आराम रहती, इसलिए पढ़िए, और अभी से पढ़ेंगे तो कम से कम, हाँ, तो प्रूफ देखते हैं इसका। तो प्रूफ देखने के लिए देखो, पहले तो मुझे ए डैश निकालना पड़ेगा, तो ए डैश क्या होगा, रो कॉलम को चेंज करिए, 3-4, 1-1। अब नाउ हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस ए डैश कर देंगे, तो 3-4, 1-1 प्लस 3-4, 1-1, ठीक। और अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 3 प्लस 3 माइनस 4 माइनस 4 1 प्लस 1 ए डैश जो है आपका ये नहीं है, ए डैश आपका ये है 3-4, 1-1। तो देखो पहले में तो 3 प्लस 3 होगा, दूसरे में क्या होगा, -4 प्लस 1, और तीसरे में -1 -4, और चौथे में -1 -1, ठीक है। तो जरा इसको कैलकुलेट करिए कितना आया, तो कैलकुलेट करते हैं तो 6 आया, -3 आया और -2 आया। अब देखिए, जैसे ये तो हमारी ये निकला है, अब मुझे प्रूफ करना है कि ये क्या होगा, सिमेट्रिक है, मुझे ये प्रूफ करना है। जैसे मैंने क्या कहा सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक देखने का तरीका क्या होता है कि जो भी मैट्रिक्स है अगर उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो हमारी ये मैट्रिक्स है जिसको मैं प्रूफ करना है, ठीक है। हमें यही तो लाना है कि ए प्लस ए डैश क्या है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम तुरंत इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। तो अब हम निकालने जा रहे हैं नाउ ए प्लस ए डैश। तो ए प्लस ए डैश का मतलब जो ये मैट्रिक्स है इस पे डैश लगा दो, 6-3 और -3 और -2, तो डैश लगाया। तो क्या करेंगे, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करेंगे, तो 6-3 पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाया। अब मैंने देखा ये ए प्लस ए डैश है का ट्रांसपोज, ये ए प्लस ए डैश के बराबर आ गया, इसका ट्रांसपोज इसके बराबर आ गया, हेंस ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस प्रकार हम समझ जाते हैं कि इस प्रॉपर्टीज को पढ़ने से होगा, जैसे ये क्वेश्चन आपको चाहे जिस मैट्रिक्स पे बोलिए जाए, आपको पहले से पता, तो ये आपके कंपटीशन या कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए उसके लिए फायदेमंद चीज है, इसीलिए प्रॉपर्टीज को पढ़ लेना चाहिए। अब बात आती है कि इन प्रॉपर्टी, हाँ, इनकी प्रूविंग आ सकती है, ये भी बोर्ड में आते हैं, तो प्रूविंग देख लेते हैं। ऊपर वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऊपर वाली की प्रूविंग पढ़ लेना, नीचे वाले की भले मत पढ़ना। चलिए देखते हैं, प्रूविंग देख लेते हैं। प्रूविंग में आपको कोई खास काम नहीं करना है, प्रूविंग में बस आपको उसकी ट्रांसपोज की सारी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, जो प्रॉपर्टीज पढ़ाई गई ट्रांसपोज की, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक एडिशन सब्सट्रैक्शन में कर लेंगे, एक मल्टीप्लिकेशन में कर लेंगे। जैसे मुझे लाना है इसको सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक लाने का मतलब है कि हमें इसका जो ट्रांसपोज है उसे हमने ट्रांसपोज पर एक ट्रांसपोज लाए, अगर मैं इसका ट्रांसपोज बराबर मैट्रिक्स ले आऊं तो आ जाएगा सिमेट्रिक। तो मैंने ये ट्रांसपोज लगाया।
अब मैं यहां पर एक एडिशन का रूल लगाऊंगा। तो मैंने कल पढ़ा था, मैंने इससे पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जब किसी हाँ जब दो हाँ कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रही, अगर किसी हाँ एडिशन में होल ट्रांसपोज लगा है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो एडिशन में होल ट्रांसपोज क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए, तो यहाँ ए हो गया, यहाँ पर ए डबल डैश हो गया। देखो आप प्रॉपर्टी लिखते चलिए, याद हो जाएंगी जल्दी से। तो हमने पढ़ा एडिशन पर होल ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ऐसे पढ़िए, लैंग्वेज में पढ़िए। फिर ए डबल डैश क्या हो जाएगा, ए डबल डैश को आप ये कह सकते हो, ये भी पढ़ा था, डबल ट्रांसपोज में अगेन मैट्रिक्स मिल जाती है। ठीक है, तो मैंने देखा इसका ट्रांसपोज इसके बराबर आ गया, तो मैं क्या कह सकता हूं कि हेंस ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक। ठीक, पहला हो गया। अब दूसरा इसी तरह हो जाएगा, तीसरा कर लेते हैं। तो तीसरे का एक पार्ट कर लेते हैं, ए ए ए डैश का होल डैश। ठीक है, ए डैश का होल डैश हमें निकालना है। हाँ, तो आपको बताइए, सबसे पहले यहां पर नियम लगाएंगे तो आपको पता है ये रिवर्सिबल लॉ हो जाएगा। यहाँ पर रिवर्सिबल लॉ का नियम लगता है, उसमें क्या हो जाता है कि जैसे ये हो जाता है, पहले कौन सा वर्ड आएगा, पहले जैसे आपको मैं दिखाता हूं, इसमें बताया था कि अगर मल्टीप्लाई में होल ट्रांसपोज लगा है तो डिस्ट्रीब्यूशन में रिवर्स हो जाता है, ऑर्डर ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। तो यहां भी ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, मतलब जो बाद वाला है उस पर ट्रांसपोज पहले लगेगा और जो पहले है उस पर ट्रांसपोज बाद में लगेगा। और फिर ये डबल डैश है तो ये पुनः ही आ जाएगा। यहां पर ये रीजन लिख दीजिए, डबल डैश इज इक्वल टू ए अगेन। तो इस प्रकार देखा मैंने, इसका ट्रांसपोज भी आ गया, तो ये भी क्या आ गया, सिमेट्रिक आ गया। लास्ट इंपॉर्टेंट बातचीत बस्ती है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो एक आ गया, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, हर स्क्वायर मैट्रिक्स को कैन बी एक्सप्रेस, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। मतलब हर स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तोड़ा जा सकता है। कैसे तोड़ा जा सकता है, तो इसके लिए हम दो प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे जो मैंने पढ़ाई। जैसे मैंने आपको बताया था कि ए प्लस ए डैश ये आपका सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए डैश आपका क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ये हमने अभी इससे पहले आपको बताया है। ठीक है, अब इन दोनों का यूज हम कैसे करेंगे, और हमें एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कोई भी मैट्रिक्स हो जिसको हम ए मान लेते हैं, जैसे ए को मुझे तोड़ना है। तो देखो आप पहले एक नियम जान लो कि अगर किसी नंबर को जैसे जैसे ए है और ए को ए के साथ मुझे कोई दूसरा नंबर चाहिए तो इसका तरीका क्या होता है, इसका तरीका ये होता है, अगर मुझे इसके साथ जैसे डैश चाहिए, क्योंकि अगर मुझे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बनाना तो ये फॉर्मेट लाना है, तो मुझे इसके साथ डैश को ऐड करना है और वो भी प्लस में भी ऐड करना है, माइनस में भी ऐड करना है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि जब भी आपको कोई नंबर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है तो पहले इस नंबर को डबल करें, अगर डबल है तो कोई बात ही नहीं तो डबल कर ले। तो डबल करने का तरीका ये होता है, हाफ से मल्टीप्लाई करो, हाफ से डिवाइड कर दो। इसके बाद फिर आप क्या करिए, फिर आपको कुछ नहीं करना है, ये बड़ा ब्रैकेट लगाइए और इस जो जिस नंबर को डबल किया तो उसके साथ एक बार ए डैश ऐड कर दो, एक बार ए डैश माइनस कर दो। अब आप देखो ए डैश काट दो तो वही चीज आ जाती है। अब अगर ये ब्रैकेट खोल दें तो ये आ जाएगा हाफ ए प्लस ए डैश और ए हाफ ए माइनस ए डैश। ठीक है, और एक बात देखो इसमें कुछ गलत नहीं, देखो भाई ए को हाफ इंटू टू ए लिखने में भी गलत नहीं, यहां भी देखो ए डैश काटो तो ये टू ए ही है, ये भी गलत नहीं है, और फिर ब्रैकेट खोल दिया तो गलत बिल्कुल नहीं है। और इसको हम पी मान ले, इसको हम क्यू मान ले, तो हमने देखा कि हमने एक मैट्रिक्स ए को पी क्यू में तोड़ लिया, जहां पी क्या है, सिमेट्रिक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सिमेट्रिक है, जहां पी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और क्यू क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार ये बात तो प्रूफ हो जाती है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में प्रूफ कर सकते हैं। बाकी अब ये प्रूफ करना होता है कि पी सिमेट्रिक है और क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है, तो वो भी आप देख लीजिए, वो तो हमने पहले वैसे देख चुका हूं लेकिन चलो देख लेते हैं। तो पहले आया कि एक को मैंने तोड़ा पी क्यू के फॉर्म में, आप मुझे दिखा देना कि पी सिमेट्रिक है और क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है, तो प्रूफ देख लेते हैं। तो हम पी डैश निकालेंगे, पी डैश निकालने का मतलब हुआ हाफ ए प्लस ए डैश का होल डैश। तो यहां पर पहली प्रॉपर्टी लगेगी, मैंने बताया था अगर कांस्टेंट और मैट्रिक्स पर होल डैश लगा हो
तो कांस्टेंट जो होता है वो ट्रांसपोज से बाहर आ जाता है। तो ये वाला जो डैश है ये केवल किस पे लग जाएगा, केवल मैट्रिक्स पर। और मैट्रिक्स में हाँ ये या कौन सी प्रॉपर्टी, तो यहां पे लिखिए के इंटू ए का होल डैश बराबर के बाहर हो जाता है, ए डैश हो जाता है। अब यहां पर मैंने बताया था कि एडिशन पर होल ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब अलग अलग बढ़ जाएगा, तो ये ए डैश हो जाएगा, ये ए डबल डैश हो जाएगा। और ए डबल डैश को हम क्या लिख सकते हैं, अगेन ए लिख सकते हैं। तो यहां पे कौन सा नियम लगा, ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। इसके बाद अगर हम इसको खोलेंगे तो ए डैश प्लस ए आएगा जो कि आपका पी है, जिसको हम सिमेट्रिक, अब देखो पी डैश पी के बराबर आ गया, इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैंने ये प्रूव कर लिया कि जो ए जो पी प्लस क्यू के बराबर थी उसका एक पार्ट सिमेट्रिक हो गया। अब मुझे क्यू को क्या करना है, इसक्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, इसक्यू सिमेट्रिक। तो देखिए हम ये प्रॉपर्टीज हटाए दे रहे हैं क्योंकि फिर जगह नहीं बचेगी, तो क्यू को हम इसक्यू सिमेट्रिक प्रूव कर देते हैं। तो क्यू डैश बराबर हम लेते हैं, क्यू डैश निकालेंगे तो हाफ ए माइनस ए का क्या है, ए डैश का होल डैश है। तो फिर यहां वही प्रॉपर्टी लगेगी, कॉन्स्टेंट और मैट्रिक्स पर अगर होल डैश लगा तो कॉन्स्टेंट जो होता है वो ट्रांसपोज से बाहर आ जाता है। कौन सी प्रॉपर्टी, के प्लस के इंटू ए का होल डैश बराबर के ए डैश, ठीक है। फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन में जो ट्रांसपोज होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ए माइनस, अब यहां पे लिखिए ए माइनस बी का होल डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश। और फिर डबल ट्रांसपोज जो होता है वो अगेन ए हो जाता है, अगेन ए हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें से देखो इसमें और क्यू में क्या फर्क है, ए ए आगे है तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो ये आ गया ए माइनस ए डैश और ये आपका माइनस का क्यू बन गया। इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार मुझे ये बात प्रूफ हो जाती है कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिखा जा सकता है। अब एक क्वेश्चन इस पर आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक मैट्रिक्स दे देते हैं और कहते हैं एक्सप्रेस द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसमें कुछ नहीं कर रहा जाता, पी बराबर ये होता है ये निकालते हैं, क्यू बराबर ये होता है ये निकाल के दे देते हैं, ठीक है। वो सिमेट्रिक हो जाता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है, ठीक। तो चलिए फिर ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में यही आएगा, एक मैट्रिक्स दी जाएगी और कहा जाएगा कि इसे सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में प्रूव करिए। तो सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं, देखो पहले तो आप ए डैश निकाल लीजिए, उसकी जरूरत आपको पड़ेगी। तो ए डैश निकालिए, कितना आएगा, रो को कॉलम में 3 2 7, इसके बाद 1 4 3, इसके बाद -2 5 8, ठीक। अब आइए हम लोग पी क्यू वो बना लेंगे, पहले ए प्लस ए डैश निकाल लें, चलिए वो प्रूफ कर देंगे। तो सीधे आपको जो पता है कि यही निकालना है, तो लेट पी बराबर क्या मानो, ए ब्रैकेट में ए प्लस ए डैश, चलिए तो निकालिए ए और इन दोनों का जोड़ना है तो ये ब्रैकेट लगा दीजिए, उतार दीजिए, 3 2 7 1 4 3 -2 5 8, एक मैट्रिक्स प्लस 3 1 -2 2 4 5 7 3 8, ठीक है। जोड़ दीजिए इन दोनों को मैट्रिसेस को, तो कितना आएगा, तो 3 3 6 हो गया, 2 1 3 हो गया, 7 में से 2 गया, 5 आया, और 1 2 कितना आया, 3 आया, 4 4 कितना हुआ, 8 हुआ, 5 3 कितना हुआ, 8 हुआ, 2 में से 7 गया, 5 बचा, 5 3 कितना हुआ, 8 हुआ, 8 8 कितना हुआ, 16 हुआ। अब अगर 2 से भाग देने वाला हो तो दे दे, 2 से भाग दे तो सारी चीजें नहीं कटेंगी तो रहने दीजिए, ऐसे लिखा रहने दीजिए। इसके बाद आप क्यू निकाल लीजिए, क्यू क्या होगा, ए माइनस ए डैश, ठीक है, क्यू जो है वो ए माइनस ए डैश है, तो वो कितना निकलेगा, तो इसमें भी आप रखिए ए की वैल्यू क्या है, 3 2 7 1 4 3 और -2 5 8, माइनस प्लस लगाओ, 3 1 -2 2 7 4 3 5 8,
माइनस थ्री, तीन में से तीन माइनस हो गया, जीरो आ गया है, और दो में से एक माइनस हुआ, एक आया, सात में से दो माइनस हुआ, माइनस, अच्छा यहाँ माइनस लगाई वाले, तो सात माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सात प्लस दो नौ हो जाएगा, एक में से दो जाएगा माइनस का एक बचेगा, चार में से चार जाएगा जीरो बचेगा, तीन में से पांच जाएगा माइनस का दो बचेगा, दो में से सात जाएगा माइनस का नौ बचेगा, पांच में से तीन जाएगा दो बचेगा, आठ में से आठ जाएगा जीरो बचेगा। तो देखो इसमें देखो फिर वही बात है, इसकी सिमेट्रिक में क्या, तो ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है और ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और फिर आप वही दिखा दीजिएगा कि ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए को हम पी प्लस क्यू ऐसे लिख सकते हैं, ये चीज दिखाइएगा, और यहाँ पी की वैल्यू रख दीजिएगा और क्यू की वैल्यू रख दीजिएगा, और तो आपका ये सारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। तो इस प्रकार से सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का हमारा वीडियो आज समाप्त होता है, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फिर मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो भी वीडियो देखे, चाहे वो एग्जाम एंट्री का देखे, चाहे वो कम्पिटेटिव एग्जाम का देखे, और चाहे आप मैट्रिक्स का देखे, उसे आप शुरू से देखे, तो आप उसके बारे में अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। थैंक यू।